हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बताएंगे कि कैसे आप घर पर गाजर का हलवा बना सकते हैं। सर्दियों के मौसम में मीठे में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली चीज़ का नाम है गाजर का हलवा। ठंड के मौसम में अगर आपने गाजर के हलवे का मज़ा ना लिया तो फिर क्या लिया। इसका असली स्वाद और मज़ा तो घर में बनाए हुए हलवे से आता है। हर कोई अपने अपने तरीके से गाजर का हलवा बनाता है। कोई कुकर में बनाता है, कोई कढ़ाई में बनाता है, बट उनके तरीकों में थोड़ा सा अंतर होता है। आज हम बताएंगे कि कैसे आप घर पर लाजवाब हलवा बना सकते हैं जिसे खाकर हर कोई आपकी वाह वाह करेगा। चलिए जानते हैं कैसे बनाएं। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बगल में दिए हुए बेल को जरूर पिन करें जिससे आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिले। गाजर के हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए 1 किलो गाजर, 300 से 400 ग्राम शुगर, 50 से 100 ग्राम घी, 1 लीटर फुल क्रीम वाला दूध। मेवे में आप काजू, बादाम, किशमिश या अपने अनुसार ले सकते हैं और थोड़ा सा खोआ। सबसे पहले गाजर को अच्छी तरह से धोकर कद्दूकस कर लें। गैस में कढ़ाई रख उसे थोड़ा गर्म करें। जब ये गर्म हो जाए तो इसे में थोड़ा सा घी डालकर इस पे गाजर डाल दें। इसके बाद इसे पकने दें। पकने के लिए इस पे आप ढक भी सकते हैं जिससे ये जल्दी से पक जाए। जब ये पक जाए आप देखेंगे, थोड़ा हाथ लगा के देखेंगे कि ये पकी है कि नहीं। अगर ये नहीं पकी तो इसने पकने दें। इसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे। देखिए हमने इस पे अब दूध डाल दिया है। अब इसे पकने देंगे। आप चाहें तो धीमी आंच में भी इसे पका सकते हैं। जब ये दूध आधे से कम रह जाए यानी कि गाढ़ा हो जाए तो फिर हम इस पे चीनी डालेंगे। अभी इसे हम पकने देंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट इसे हम पकने देंगे। और इस बात का याद रखें कि इसे बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। आप देखेंगे कि इसका दूध बिल्कुल सूख गया है। अब हम इस पे चीनी डालेंगे। इसे मिला लेंगे। अब आप देख रहे हैं चीनी के डालने के बाद ये इतना फिर से गीला हो गया है। इसे आपको फिर से गाढ़ा करना है, यानी कि इसका जितना पानी है उसको सुखाना है। साथ में इस बात का ध्यान रखें कि चीनी डालने के बाद नीचे तली पे बहुत ज़्यादा लग जाती है, इसलिए बीच बीच में चलाते रहें जिससे कि आपका हलवा जले ना। आप देख रहे हैं कि इसका चीनी वाला पानी बिल्कुल गाजर से अंदर जा चुका है। अब हम इसमें घी डालेंगे। ये देखिए आपका बनके तैयार हो गया है। आपको दिख रहा होगा, इसकी खुशबू से ही आपको पता चल जाएगा कि कितना टेस्टी है। इस पे अब आप ऊपर से खोवा डाल सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। आप चाहे तो जब किसी को सर्व कर रहे हो तब आप इस पे खोवा और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हम देखो इस पे खोवा डाल देंगे। ये देखिए आपका टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ प्यार से सर्व कर सकते हैं। थैंक यू। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।